प्रेसवार्ता के दौरान क्रांतिवीर मुनि प्रतीक सागर महाराज ने कहा, संतों की हत्या मानवता की हत्या है। देश की आधारशिला संत ही हैं। आज जैन संत के साथ ऐसा हुआ तो कल अन्य संप्रदाय के संतों के सामने संकट खड़ा हो सकता है। भारत की पहचान मुनि ऋषि और कृषि से है। आज देश में अमन और शांति संतों की वजह से ही है, इसलिए साधु संतों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर सरकार को खास ध्यान देना चाहिए। एक सवाल के जवाब में प्रतीक सागर महाराज ने कहा कि जैन संत चींटी भी नहीं मार सकते तो उन संत की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। क्रांतिवीर मुनि प्रतीक सागर महाराज ने कहा कि जैन आचार्य काम कुमार नंदी महाराज की निर्मम हत्या करने वालों को शीघ्र गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए। साथ ही कहा कि आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त नेताओं को देश की राजनीति से दूर रखकर उन्हें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में जाने नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को राजनीतिक पार्टियों द्वारा टिकट ही नहीं देना चाहिए। अब समय आ गया है कि आम आदमी को जागृत होने की आवश्यकता है। और पिछले 5 जुलाई को जो कर्नाटक में बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में जो कृत्य हुआ है, आचार्य कार कुमार नंदी जी की जो हत्या की गई है, अंग अंग अलग अलग किए गए हैं, ये निश्चित तौर पर जो है भारतीय संस्कृति के संस्कारों पर कुटाराघात है। और मैं प्रदेश और लोकसभा और विधानसभा की तमाम सरकारें, कर्नाटक सरकार से आह्वान करूंगा कि अविलंब जो है उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, उन्हें कठोरतम दंड मिलना चाहिए। साथ ही जो है भारतवर्ष में जितने भी संत हैं, तीर्थ हैं, उन सभी को सुरक्षा प्रदान की जाना चाहिए। और जो है अगर सरकार जैन समाज को इसी तरह से हल्के से लेगी तो 2023 और 2024 में निश्चित तौर पर जो है जैन समाज को राजनीतिक पार्टी का गठन करके हमें विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर अपने लोगों को उतारना चाहिए। क्या लगता है महाराज जी, क्यों हत्या की गई, क्या कारण है? हत्या केवल जो है दिगंबर मुनि को बदनाम करने के लिए, जैन संस्कृति को बदनाम करने के लिए ये कृत्य किया गया है, जिससे जो है जैन संस्कृति के श्रावक जो है उद्वेलित होकर के कुछ गलत कदम उठाएं। जबकि जो है हम शांत प्रिय समाज है और शांतता के साथ ही हम अपना विरोध भी दर्ज कराते हैं। हम किसी को मारने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन जो है हम अपने आप को बचाने के लिए भी, अपनी सुरक्षा व्यवस्था में भी कोई किसी भी तरह की कटौती समाज नहीं करना चाहता। जल्दी अगर यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया सरकार की ओर से तो आगे क्या कदम उठाएं? सरकार की तरफ से अगर निर्णय नहीं लिया जाता है तो फिर समाज जो है बैठ करके जो है पूरे भारतवर्ष का जैन समाज इसके ऊपर कठोरतम निर्णय लेकर के जो है समाज के सामने प्रस्तुत करेगा, देश के सामने प्रस्तुत करेगा और आगे आने वाले विधानसभा लोकसभा के चुनाव में उसका ताकत दिखाएगा। जैन मुनि को एक पैसों के लेन देन के साथ जोड़ना क्या समाज को? जैन मुनि तो जो है पैसा हाथ में स्पर्श तक नहीं करता है, वह तो जो है इन सब चीज़ों के त्यागी है। बस केवल जैन मुनि की छवि को धूमिल करने के लिए उसके साथ में वह जोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने जो भी घटनाक्रम बनाया वह झूठा है, उसके ऊपर कोई भी आधार नहीं। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।